हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुभाष और मैं आपके लिए लाया हूं नया वीडियो। तो आइए देखते हैं नए क्वेश्चंस। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, मतलब ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। अनफॉर्चुनेट मतलब दुर्भाग्यपूर्ण। दैट इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से, द रिसर्जेंट इंडिया स्टिल रिमेन्स होम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ पुअर, हंगरी एंड इलिटरेट। पुअर गरीब, हंगरी भूखे, और इलिटरेट मतलब निरक्षर। मतलब इंडिया इकोनॉमिकली रिसर्जेंट हो गया है, उसके बाद भी अभी भी वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन का होम है। कैसी पॉपुलेशन? पुअर, हंगरी और इलिटरेट पीपल। इस सेंटेंस में रिसर्जेंट जो शब्द आया है, इसका हमको नीचे से रिप्लेसमेंट देना है। रिसर्जेंट मतलब होता है क्या? डिपेंड, जो अपने आप में उड़ गया हो, राइजिंग हो जो। तो राइजिंग वर्ड आ रहा है, ये देखिए, ये राइजिंग। डिक्लाइनिंग मतलब नीचा जाना होता है, डिक्लाइन पतन की ओर, तो ये है नहीं। डिसेंडिंग, ये भी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आपने सुने हैं, तो ये भी गलत है। डिप्रीविंग मतलब कि कोई चीज से विहीन होना, मतलब अपने पास नहीं है, वंचित होने से बात है। तो बचा राइजिंग, तो रिसर्जेंट मीन्स राइजिंग। अगला देखिए, ही वॉज डॉट डॉट हर्ट डॉट डॉट स्केयर्ड। अब ये एक ही सेंटेंस है, दो तो है नहीं। तो हम पहले भी देख चुके हैं कि वेन आया मतलब दो चाहिए, गलत। डेट आया दो चाहिए, तो गलत। बचा एज, एज तो एज हर्ट एज स्केयर्ड ऐसा होता नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि इसके बीच में एज ही एडजेक्टिव आता है। जैसे यू आर एज हैंडसम एज आई एम, ठीक। तो बचा नॉट ओनली बट आंसो। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन देखा था, उसमें मैंने बोला था जो नॉट ओनली के बाद आएगा वही बट आल्सो के बाद भी आएगा। तो यहां भी देखिए, He was not only hurt but also scared. न सिर्फ वो hurt हुआ बल्कि scared भी हुआ। तो दोनों के बाद adjective ही आ रहा है, मतलब ये सही है। अगला देखिए, He is the same man. ये वो same man है, has stolen my purse. जिसने मेरा purse चुराया है। तो who लगाते तो सही हो जाता, लेकिन इससे पहले भी हमने एक जगह बात की थी कि हु या विच क्या स्थान पे डेट आता है, कब? जब सुपरलेटिव डिग्री हमने देखी थी कि सुपरलेटिव डिग्री आती है तो हम हु या विच जहाँ आता है वहां पे डेट लगाते। यहाँ देखिए द सेम आया है, ये द सेम भी जब आएगा सेंटेंस में तो डेट या विच के, हु या विच के स्थान पे डेट लगाना है। तो ये डेट लगा दिया, सेंटेंस सही हो गया। अगला देखिए, माई ब्रदर फाउंड आउट दैट हर वाइफ हैड बीन प्लानिंग अ सरप्राइज पार्टी फॉर हिम। मेरे दो भाई ब्रदर को पता चला, फाइंड आउट की सेकंड फॉर्म, कि उसकी जो वाइफ है वो प्लान कर रही है एक सरप्राइज पार्टी उसके लिए। तो फाउंड आउट का हमको रिप्लेसमेंट देना है नीचे। न्यू मतलब जाना, गेस मतलब गेस किया, तो उसकी बात नहीं हो रही है। रिवील मतलब सीक्रेट का पता लगाना या डिस्कवर करना, जबकि यहाँ ऐसा कोई है नहीं, तो ये डिस्कवर्ड सिंपल आ जाएगा। फाउंड आउट का डिस्कवर्ड, सिंपल। अगला देखिए, The lawyers looked over the papers carefully before questioning the witness. Witness से questions करने से पहले lawyer ने ध्यानपूर्वक paper को देखा। Looked over, look over मतलब examined, मतलब निरीक्षण करते हुए। अब lawyer witness से question करेगा तो उसके पहले अपने कागजात देखता है कि नहीं, उसमें से ही निकालता है छांट के कि कौन सा है, इसमें witness को कैसे काम में लूं। तो एग्जामिन, डिस्कार्डेड मतलब तो गणना करना होता है, डिस्कार्ड कर देना। अरेंज व्यवस्थित करना, प्रिपेयर्ड मतलब तैयार करना। तो लुक डोवर मतलब एग्जामिन्ड। हम्बल का अपोजिट बताना है, हम्बल मतलब विनम्र होता है। तो रिजेक्टेड तो रिजेक्ट कर देना, तो वो हम्बल का अपोजिट नहीं है। प्राउड, डिसअपॉइंटेड और पुअर, तो हम्बल का प्राउड हो जाएगा। डिसअपॉइंटेड गलत, पुअर भी गलत। तो हम्बल विनम्र होता है, प्राउड मतलब घमंडी होता है, प्राउड ही बोलते हैं ना अपन, प्राउड। यू विल हैव टू आंसर फॉर, आंसर फॉर का हमको रिप्लेसमेंट देना है। यू विल हैव टू आंसर फॉर योर मिसडीड्स। मिसडीड्स मतलब कहागे, डीड्स मतलब कहागे, मिसडीड्स मतलब गलत कहागे, बुरे कहागे। तो आपको ये यू विल हैव टू, आपको आंसर देना पड़ेगा काय के लिए, आपके मिसडीड्स के लिए। तो आंसर फॉर मतलब रिप्लाई टू गलत, स्पीक अबाउट गलत, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मतलब आपने जो गलत काम किया उसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। यू विल हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मिसडीड्स। लिसन टू भी गलत है यहाँ।
अगला क्लेरिटी, क्लेरिटी का अपोजिट देना है, क्लेरिटी मतलब साफ सुथरा, आप जानते ही हो, तो अपोजिट देना है मतलब कोई गंदा चीज, या देखो क्लेरिटी है आपको, आपके गोल में क्लेरिटी है कि आपको सिलेक्ट होना है, उसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, क्लेरिटी है। क्लेरिटी ना हो तो क्या होगा, कंफ्यूजन होगा, सिंपल है। कैंडोर मतलब फ्रेंकनेस होता है, फ्रेंकनेस, तो ये भी नहीं आएगा। एग्जैग्रेशन मतलब अतिशयोक्ति करना, तो वो भी नहीं आया। रिजर्व भी नहीं आएगा क्लेरिटी का अपोजिट, ठीक है। अगला वर्ड कन्फर्म, कन्फर्म का, कन्फर्म आप जानते ही हो कन्फर्म है, अब कन्फर्म नहीं होगा तो क्या होगा, अलग होगा, तो ये डिफर होगा। डिसअपॉइंट तो निराश होना, डिजॉल्व मतलब कोई चीज को डिजॉल्व करना, जैसे गोली को पानी में डिजॉल्व किया। पोस्टपोन टाइम बदलना उसका, तो पोस्टपोन कर दिया, तो डिफर मतलब अलग। कन्फर्म मतलब कोई चीज कन्फर्म है, कन्फर्म नहीं है तो वो कैसी है, डिफर है, अलग है। एक्सहेल, इनहेल और एक्सहेल, देखिए ये इनहेल है लेकिन इसका अपोजिट होता तो इनहेल होता, इनहेल एक्सहेल बाहर निकाल दी, तो एक्सहेल मतलब बाहर करना, तो ब्रीद इन मतलब अंदर लेना, सांस अंदर लेना, ब्रीद आउट बाहर निकालना, तो ये सब गलत होगा, ये सिर्फ सांस लेना, सांस अंदर लेना, तो एक्सहेल का ब्रीद इन। सिनोनिम्स बताना है हमको। आई वॉज वेरी एंग्री, मैं बहुत एंग्री था। आई डिड नॉट स्कोल्ड हिम, स्कोल्ड मतलब डांटना, डांटना, मैं बहुत गुस्से में था, एंग्री था, मैंने उसको डांटा नहीं, तो क्या फिर भी आएगा ना, तो फिर भी मैंने डांटा नहीं मतलब स्टिल, मैं गुस्से में था, स्टिल आई डिड नॉट स्कोल्ड हिम, ठीक है जी। तो दोस्तों यदि ये चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब